पुराने समय में किसानों द्वारा खेती के साथ ही पशुपालन भी किया जाता था। खेती के कामों में पशुओं की बड़ी मदद ली जाती थी। उनके द्वारा मिलने वाले गोबर गोमूत्र का उपयोग फसल की बढ़िया बढ़वार के लिए नैसर्गिक तरीके से जीवामृत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। जीवामृत में देसी गाय का मूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ और जरा सी मिट्टी मिलाई जाती थी। फिर इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर 6 से 7 दिन रखा जाता है। इन 6 से 7 दिन के अंतराल में इस मिश्रण में उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या करोड़ों से बढ़ती है एवं उसके बाद यह मिश्रण खेती में छोड़ा जाता है। इसके वजह से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी में पड़े हुए अन्य घटकों का विघटन होकर वे फसल को आसानी से उपलब्ध होने में मदद होते हैं। यह सामान्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जियो लाइफ ने इसमें एक नए तकनीक का समावेश किया है। साधारण तौर पर जीवामृत बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल की जाती है उसी में से सूक्ष्म जीवाणुओं का स्रोत मिलता है, लेकिन उस मिट्टी में कितने एवं कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं वह पक्के तौर पर बताया नहीं जा सकता। इसलिए जियो लाइफ का बैक्टोगैंग एक भरोसेमंद उपाय है। बैक्टोगैंग में अलग अलग कई प्रकार के उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं का मिश्रण है। हम सिफारिश करते हैं कि जीवामृत बनाते समय 200 लीटर पानी में बैक्टोगैंग 500 मिली और विगर राजा 250 ग्राम मिलाकर डालें। बैक्टोगैंग की वजह से पक्के तौर पर अलग अलग कई प्रकार के उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं एवं विगर राजा में स्थित विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड के मिश्रण, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोषक घटक, एंजाइम्स एवं माइकोराइजा फफूंद की वजह से जीवामृत में सूक्ष्म जीवाणुओं की बढ़वार के लिए पोषक घटकों की पूर्तता होती है। माइकोराइजा फफूंद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र फफूंद है। इसके कारण मिट्टी में स्थित विघटित अन्य घटकों को पौधों के जड़ों तक अवशोषित कर लाया जाता है। तो इस प्रकार से साधारण तरीके से बनाए जाने वाले जीवामृत को जियो लाइफ द्वारा जियो अमृत बनाया गया। तो जियो अमृत मतलब जीवामृत एवं बैक्टोगैंग एवं विगर राजा। अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें या अपने निकटतम जियो लाइफ डीलर से संपर्क करें। धन्यवाद।